तो आज हम बात करने वाले हैं विंटर फ्लावरिंग प्लांट्स में कुछ ऐसे प्लांट्स के बारे में जो कि काफ़ी अच्छे मैच्योर प्लांट है और पूरे सर्दी से चलते रहते हैं। तो पहला प्लांट जो आप ये देख रहे हैं ये क्रिजेंथिमम का प्लांट है, इसको गुलदावरी कहा जाता है। गुलदावरी का ये आपको देख सकते हैं, इसमें काफ़ी सारे कलर्स हैं। इसमें बटन गुलदावरी आपको मिल जाएगी, डबल पेटल गुलदावरी आपको मिल जाएगी, काफ़ी सारे कलर्स हैं। तो फर्स्ट प्लांट जो आप ये देख रहे हैं ये आपका थोड़ा मेहरून पिंकिश कलर का, इसका तो पिंकिश कलर का फ्लावर है, इसका काफ़ी अच्छा है। इसी 8 इंची के पॉट में लगा हुआ है। प्लांट की हाइट अप्रॉक्स 2 से 2.5 फीट की होगी। पूरा मैच्योर प्लांट है, फ्लावरिंग और बर्ड्स दोनों हो रखे हैं इस पर। तो ये आप जो प्लांट देख रहे हैं आप 100 रुपीज़ में 8 इंची के पॉट में ले सकते हैं मैच्योर प्लांट पूरा। और इसी का आपको छोटे पॉट में भी मिल जाएगा, देख सकते हैं आप। ये 6 इंची के पॉट में लगा हुआ है, इसी का ये दूसरा सेम, इसी का सेम कलर लगा छोटे 6 इंची के पॉट में। बस इसमें फ़र्क थोड़ा आपका ये रहेगा, थोड़ी ब्रांचेस में कम रहेंगी। तो ये जो प्लांट आप देख रहे हैं 80 रुपीज़ में आप ले सकते हैं। इसी के साथ आप देख सकते हैं जितने भी गुलदारी 6 इंची के पॉट में, येलो कलर का, वाइट कलर का, ये सारे कलर जितने भी आप देख रहे हैं इसमें छोटे छोटे पॉट्स में 6 इंची के पॉट में, ये सारे आपको सेम प्राइस 80 रुपीज़ में मिल जाएगा। बट अगर आप इन्हीं प्लांट्स को थोड़ा मैच्योर प्लांट जैसे भरा हुआ प्लांट लेते हैं जो कि पॉट में होगा, तो इसमें जैसे इसमें पिंक कलर आप जैसे लाइट पिंक कलर का भी इसमें आपको मिल जाएगा, येलो कलर का मिल जाएगा, रेडिश कलर का मिल जाएगा। तो ये सारे कलर जितने भी आप देख रहे हैं ये 8 इंची के पॉट में मैच्योर प्लांट, ये आपको 100 रुपीज़ में मिलेंगे। तो प्राइस इसकी डिसाइड हुई है पॉट्स के हिसाब से, जो छोटे पॉट्स का आप 80 का लेंगे, बड़े पॉट का आपका 100 रुपीज़ का लेंगे। तो इसमें काफ़ी सारे 4 से 5 कलर्स आपको मिल जाएंगे, सारे कलर्स आप ले सकते हैं। और अगर आप इसको लंबा चलाना है, पूरी सर्दी इसको आपको फ्लावरिंग करनी है, तो जैसे इसका फ्लावरिंग सूखता चला जाए इसको आपको कट करना है। मान लीजिए आपका फ्लावर सूख गया तो इसको जहाँ तक इसके लीफ ना, मान लीजिए इसका मेन लीफ का नहीं है जहाँ तक, तो यहाँ से इसको कट कर देना आपको, जिससे आपके जो नई बर्ड्स निकले नीचे से वो आपके ऊपर तक आके खिल जाएगी। पर अगर आप कट नहीं करते हैं तो सूखते सूखते पूरी डंडी पूरी सूख जाती है। तो ये इसकी मेन केयर रहेगी। नीम ऑयल का स्प्रे आप इसमें गुलदावरी में करिए और वर्मी कंपोस्ट खाद डालते रहिए, तो जिससे ग्रोथ करता रहता है। तो फ्लावरिंग इसमें क्रिजेंथिमम में कम से कम आपकी 3 बार फ्लावरिंग होती है पूरे विंटर भर में, देन इसके बाद सीज़न इसका ऑफ हो जाता है। उसको सीज़न के बाद भी प्लांट ही बच जाता है, तो इसको प्लांट को आप हाफ़ कट कर दीजिए और इसे कहीं आप शेड में रख दीजिए। शेड मतलब कि इसमें आप जैसे किसी बड़ा पेड़ आपके पास लगा हुआ हो या कुछ लगा हुआ हो तो उसके पास आप उसको रख दीजिए, जिससे प्लांट बचा रहता है, प्लांट कभी नहीं मरता है। एंड देन नेक्स्ट सीज़न में इसका फ्लावरिंग दोबारा होती रहती है। तो गुलदावरी का प्लांट आप 80 या 100 रुपीज़ में ले सकते हैं पॉट में मैच्योर प्लांट। तो गुलदावरी में देख सकते हैं आप 8 इंची के पॉट में डबल पेटल की लगी हुई है, किसी किसी में इसमें 2-2 प्लांट लगे हुए हैं, किसी में सिंगल प्लांट भी है। पर प्लांट की ग्रोथ काफ़ी अच्छी हो रखी है, बडिंग भी है, फ्लावरिंग भी है। तो ये पिंक कलर के इसमें आपको येलो कलर के डबल पेटल में वाइट कलर के मिल जाएंगे आपको, सभी की प्राइसिंग 100 रुपीज़ ईच है। और इसी में छोटे पॉट में आप देखेंगे छोटे डबल पेटल का ही ये आपको 80 रुपीज़ में मिल जाएगा। तो इसमें भी 3 से 4 कलर्स आपको मिल जाएंगे गुलदावरी के। तो अगला जो प्लांट है ये डेलिया का डबल पेटल का प्लांट है, ये बैग में लगा हुआ है। प्लांट की हाइट अप्रॉक्स 2 फीट की होगी। ये आपको बैग में 50 रुपीज़ का मिल जाएगा। इसमें आपको रेड मिल जाएगा, पिंक, डबल कलर्स के, वाइट, येलो, ऑरेंज, पर्पल, काफ़ी सारे कलर्स में आपको मिल जाएंगे। तो ये जो प्लांट आप डेलिया का दे रहे हैं 50 रुपीज़ में इसे आप ले सकते हैं। सारे बडिंग पे है, एक में से कम से कम 3 से 4 बर्ड्स लगे हुए हैं इसमें। क्या पूरी विंटर फ्लावरिंग करते रहेंगे प्लांट, ये पड़े फूल के हैं। आगे चल के इसका हम अभी देखेंगे पॉट्स में लगा हुआ जिसका फ्लावरिंग ब्लूम कर चुका है, जिसकी प्राइस थोड़ी अलग रहेगी। तो ये प्लांट आप 50 रुपीज़ में डेलिया का प्लांट ले सकते हैं, सारे का डिफरेंट डिफरेंट कलर्स के। तो अगला जो प्लांट है ये डैंथस का प्लांट है। डैंथस का प्लांट पूरे ऑल ओवर पूरा पेरिनियल तो हमेशा चलता रहता है 12 महीना, बस में थोड़ा गर्मियों में इसको शेड में रखना पड़ता है। ये जो प्लांट देख रहे हैं बैग में पूरा मैच्योर प्लांट आपको मिलेगा, पूरा भरा हुआ बर्ड से और फूल से। ये प्लांट आप 50 रुपीज़ में ले सकते हैं। इसी का हमारे पास बैग में भी अवेलेबल है, जो कि पहले आपने वीडियो में देखा होगा जो कि 20 रुपीज़ का था, वो भी अभी अवेलेबल मिल जाएगा आपको। पर इसी के आगे पॉट में आए तो इसलिए हमने आपको दिखा रहे हैं नया प्लांट भी इसका पॉट में, या आप 50 रुपीज़ में ले सकते हैं। तो पेंजी के प्लांट भी आए हुए हैं पॉट में, काफ़ी अच्छे अच्छे कलर्स के, डबल डबल शेड्स के। तो इसका आपको बैग में मिल जाएगा, बैग में पहले वीडियो में दिखाया था हमने जो कि 30 रुपीज़ का था। इसी का ये पॉट में मैच्योर प्लांट थोड़ा आया फैला हुआ, ये आपको 50 रुपीज़ में मिल जाएगा। इसमें कम से कम आपको 4 से 5 कलर्स के डिफरेंट डिफरेंट डबल डबल कलर्स के भी मिल जाएंगे। तो 50 रुपीज़ में पेंजी का प्लांट आप ले सकते हैं। तो अगला जो प्लांट है ये पिटोनिया का प्लांट है, ये पॉट में 6 इंची के पॉट में लगा हुआ मैच्योर प्लांट। ये प्लांट आपको बैग में 20 रुपीज़ का मिल जाएगा। बैग में थोड़ा छोटा प्लांट होगा, थोड़ी बडिंग टाइप होगी उसमें, पर ये पूरा ब्लूमिंग कर चुका है, काफ़ी अच्छे बर्ड्स भी हैं, फूल भी हैं। तो ये प्लांट आप देख रहे हैं 50 रुपीज़ में इसे आप ले सकते हैं पिटोनिया का प्लांट। तो अगला जो प्लांट है ये ऑर्नामेंटल केल का प्लांट है, केल जिसको केल ही कहा जाता है। तो इसमें भी कम से कम आपको 3 से कलर से मिल जाएंगे, डार्क पर्पल, लाइट पिंक और इसमें आपको वाइट कलर का मिल जाएगा। इसका जो फ्लावर होता है पूरा लोटस की तरह पूरा बड़ा सा खिलता है, गोभी की तरह, इसको ऑर्नामेंटल गोभी भी कई लोग कहते हैं। तो ये प्लांट जो देख रहे हैं आप ये 30 रुपीज़ में इसे आप ले सकते हैं। 6 से 8 इंची के पॉट में लगाइए, पूरा फुल ब्लूम हो जाएगा ये। तो ये प्लांट आप 30 रुपीज़ में केल का प्लांट ले सकते हैं, प्लेन लीफ का।
तो अगला जो प्लांट है ये जाफरी मैरीगोल्ड का प्लांट है, जिसमें काफ़ी ये ऐसा प्लांट है रेड कलर का, यूनिक कलर है थोड़ा, पूरी डार्क रेड कलर का। तो ये जो प्लांट आप देख रहे हैं 20 रुपीज़ में, इसे में आप ले सकते हैं बैग में लगा हुआ। काफ़ी सारे बर्ड्स ऑफ फ्लावरिंग दोनों रखी है। बड़े वाला गेंदा, इसको मैरीगोल्ड हजारी गेंदा कहा जाता है, ये भी आप ले सकते हैं, जिसकी थड़ी। ये प्लांट भी काफ़ी अच्छा मैच्योर प्लांट है, 20 रुपीज़ में इसे आप ले सकते हैं। इसी का छोटा भी हमारे पास मिल जाएगा थोड़ा, जो भी नया लगाया हुआ था। तो ये जो प्लांट आप देख रहे हैं ये 15-15 रुपीज़ में 15-15 रुपये में आपको मिल सकता है। इसमें आपको दो कलर्स मिल जाएंगे, येलो और ऑरेंज कलर का। तो 15 रुपये मैरीगोल्ड का छोटा प्लांट आप ले सकते हैं, बड़ा अगर आप ले मैच्योर प्लांट तो 20 रुपीज़ में ले सकते हैं। तो अगला जो प्लांट है ये आपका डेलिया, डबल डेलिया का प्लांट है, जो कि पॉट में लगा हुआ है। तो ये जो प्लांट है ये आपको 100 रुपीज़ में मिल जाएगा। ये पूरा 100 रुपीज़ का इसलिए पड़ेगा क्योंकि थोड़ा मैच्योर प्लांट है, पॉट में लगा हुआ है। ये करीब हमने 2 महीने पहले पॉट में लगाया था, अब जाके पूरा फ्लावरिंग ब्लूम फ्लावरिंग पोजीशन पे आया है। काफ़ी बड़े बड़े फूल इसके खिल रहे हैं, आप देख सकते हैं। काफ़ी सारे कलर्स भी मिल जाएंगे इसमें आपको, काफ़ी यूनिक कलर्स में, जो कि पहले आपने कभी नहीं देखे होंगे। तो ये जो प्लांट है आपका डेलिया का 100 रुपीज़ में, करीब 2 से 2.5 फीट की हाइट का प्लांट है। एक में कम से कम 4 से 5 बड़ा आप देख सकते, जैसे देख लीजिए मेन फ्लावर इसका एक ही है, बाकी इसमें बड्स कितने सारे देख सकते हैं आप, अपनी सारी बड्स ही बड्स लगी हुई है पूरे में। और पूरा भरा हुआ प्लांट है, आप देख सकते हैं ये पूरा भरा हुआ प्लांट है। तो ये प्लांट आप 50 रुपीज़ में डेलिया का प्लांट आप सारे ले सकते हैं। इसमें काफ़ी सारे कलर्स दिखाते हैं, जैसे आपको इसमें आपको ये देख लेते हैं डबल कलर का, पिंक और वाइट कलर का, और इसी में आपको पूरा पिंक कलर का मिल जाएगा, और इसमें आपको ऑरेंज कलर का मिल जाएगा, येलो कलर का मिल जाएगा, और इसी में आप देख सकते हैं आगे और कलर्स भी। ये रहा, इसमें आपका बीच में रेड और वाइट कलर का शेड है। एक कोको कोला कलर भी इसमें काफ़ी अच्छा यूनिक कलर आया पहली बार, वो भी आप देख सकते हैं। इसमें भी काफ़ी बड़े बड़े फ्लावर भी दिखाते हैं इसमें आपको, जो कि पूरे खिल चुके हैं। तो इसका फूल का फुल साइज़ इसका ये होता है ऑलमोस्ट, ये जो देख रहे हैं आप, ये पूरा खिल चुका है पूरा इसका, पूरा ये पूरा हाथ भरने में पूरा फूल इसका आ जाएगा, इतना बड़ा फूल इसका खिलता है। और बाकी इसमें और बड़े भी खिले हुए हैं, देख सकते हैं आप, ये इसका फुल फ्लावर है। तो ये कम से कम डबल डेलिया है पूरा, ये काफ़ी बड़ा है। इसमें वाइट देखिए, वाइट भी पूरा खिला हुआ है। बाकी सारा इसमें आप देख सकते हैं सारे बडिंग पे हैं, कुछ खुल रहे हैं कुछ बंद हो चुके हैं। तो सारे काफ़ी सारा जितने भी डेलिया देख रहे हैं सारे पॉट्स में लगे हुए 100 रुपीज़ के ही ले सकते हैं। इसमें आपको अगर पहला फ्लावर जो आता है डेलिया में मेन चीज़ है, तो पहला फ्लावर आपका पूरा फुल साइज़ का खिलेगा, पर जब जैसे जैसे का फ्लावर चेंज, जैसे फ्लावरिंग पहला वाला चला गया, इसमें आपका दूसरा जो इसमें फ्लावरिंग बड निकलेगी नीचे से, वो इस साइज़ की नहीं खिल पाएगी, थोड़ी छोटी रह जाएगी वो, क्योंकि मिट्टी की ताकत जो होती है पहला फ्लावर ही खींच लेता है पूरी। अगर इसे आप इसी को अगर आप ज़मीन में कर दें या किसी बड़े पॉट में कर दें 12 इंच 14 इंच में, तब इसका फूल का साइज़ दोनों का सेम आएगा। वरना अगर इसी में आप ऐसे रखेंगे तो ये कट करने के बाद यहाँ से कट कर जब फूल से सूखेगा तो उसको यहाँ से कट करना होगा आपको, देन दूसरा फ्लावर ऊपर आके खिल जाएगा, पर इसका साइज़ थोड़ा छोटा रहेगा अगर इसी पॉट में रखते हैं। अगर आप जैसे ही देख सकते हैं आप, ये जो मेन फ्लावर था इसका ये सूख गया, अब इसका जो फ्लावर दूसरा आ रहा है थोड़ा छोटा आ रहा है। तो ये सारे इसमें पोजीशन रहती है, इसमें थोड़ा मेंटेनेंस मांगते हैं ये सब चीज़ें। न्यूमॉल का स्प्रे करिए इसमें, वर्मी कंपोस्ट खाद डाल दीजिए मंथ में एक बार, फ्लावरिंग करता रहेगा ये पूरे विंटर। बाकी प्लांट इसका पेरिनर रहता है तो उसको हाफ कट कर दीजिए बाद में विंटर खत्म होने के बाद, जिससे प्लांट ही बच जाता है, देन इसको नेक्स्ट सीजन में आप इसे आप लगा सकते हैं। तो डेलिया का प्लांट ही आप 100 रुपीज़ में ले सकते हैं। तो अगला जो प्लांट है ये प्लांट काफ़ी थोड़ा यूनिक प्लांट है, जो कि काफ़ी डिमांड में था, पूरी सर्दी का प्लांट होता है, वैसे पनीर प्लांट होता है ये जो प्लांट आप देख रहे हैं स्नो बूश पोंसिथिया कहा जाता है इसको। ये पूरा इसमें थोड़ा वाइट वाइट से जैसे इस पर जैसे इसका कुछ दूर से देखने में ऐसा लगता है जैसे इस पर बर्फ़ पड़ी हुई है सुबह के टाइम पर। तो ये जो प्लांट है आप देख सकते हैं करीब 2 से 2.5 फीट का प्लांट है, 10 इंची के पॉट में लगा हुआ है, मैच्योर प्लांट है। ये आपको 100-250 रुपीज़ में मिल जाएगा। आगे चल के इसका बैग में भी हमारे पास आने वाला है, जो कि 100-150 रुपीज़ में आपको मिल जाएगा। तो ये प्लांट आप 2 से 2.5 फीट का 250 रुपीज़ में ले सकते हैं। जैसे जैसे इसकी प्लांट की ग्रोथ चलती जाती जाती रहती है, नई नई इसके नीचे के नए पुराने लीफ पूरे ग्रीन होते चले आएंगे और नए लीफ के वाइट ही आते हैं। तो ये जो इसका वाइट वाइट इसका केवल ये लीफ ही होता है, इसका फ्लावरिंग नहीं होता है, इसका लीफ होता है ये, जो कि बाद में ग्रीन कलर का हो जाता है। जैसे कि आपने पहले रेड पंचुतिया देखा था उसमें भी सेम केस था, वैसे इसमें भी सेम केस होता है, इसके बाद में इसके लिए पूरे रेड हो जाते हैं, ग्रीन हो जाते हैं। देन ये प्लांट आपका पेरेंट रहता है, गर्मियों में इसको आपको थोड़ा शेड में रख दीजिए, पूरा प्लांट ही आपका ग्रीन हो जाएगा। देन सीजन वापस आने के बाद ये पूरा आपका वाइट हो जाएगा। तो सीजन के अकॉर्डिंग चलता है ये प्लांट, गर्मियों में थोड़ा इसको ठंडक जगह मांगता है ये प्लांट, जिससे आपका चलता रहेगा। तो 250 रुपीज़ में पोंसिथिया वाइट आप बुश ले सकते हैं। तो विंटर फ्लावरिंग प्लांट्स का ये वीडियो हमारा आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू।